हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नागेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जनरेटिव्स वाई डी के में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन रिपेयर। ये इंडक्शन हैवेल्स कंपनी का है और इसका जो मॉडल है इंस्टा कुक HTX मॉडल है। तो इसका हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमने इसे सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और इसको ऑन करते हैं और इस पर बर्तन रख के देखेंगे। दोस्तों, इसने बर्तन सेंस कर लिया है, लेकिन इसमें दिक्कत मुझे मालूम है क्या है। ये बर्तन रखने के बाद कुछ देर तक, यानी 10 से 20 सेकंड तक कुछ देर तक गर्म कर रहा है। उसके बाद से घंटों रख दिया जाए बर्तन को, ये नहीं गर्म कर पा रहा है। तो यही इसका समस्या है। इसमें अंदर बहुत कचरा है। पहले हम उस कचरे को साफ़ करके देखेंगे, उसके बाद से सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। कचरे से भी हो सकता है रेजिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए कि अगर सीड़न आ जाए तो इधर से उधर करंट होने लगता है, और आपको मालूम होगा इसमें इरर आता है, E7, E8, E9 ऐसे करके बहुत सारे इरर्स आते हैं, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको क्लीन करके सुखा के उसके बाद हम देखेंगे कि इसका दिक्कत सही हो गया कि नहीं, और नहीं होगा तो हम इसको आगे देखेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कितना कचरा लगा हुआ है। इसका पूरा पार्ट हम अलग अलग खोल करके इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद से आगे हमको आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दूध या पानी कुछ आ गया होगा। ये पूरा सीरन से पीड़ित था, इसको हमने क्लीन कर लिया है। अगर ये क्लीन नहीं होगा तो अपने आप आईसी से ट्रिगर होगा। जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तब ट्रिगर होता है। अब यहाँ पे सीरन रहेगा तो अपने आप ट्रिगर होगा, इसलिए इसको क्लीन कर लीजिए पूरा बढ़िया से। हमने देखिए इसको क्लीन कर लिया है, उसके बाद से इसको टाइट कर लीजिए। आप क्या आगे हम प्रॉब्लम बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत कचरा था। अभी कितना भी साफ़ करने के बाद ये पूरा क्लीन नहीं हो पाया है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा था और सीड़न भी था। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा भी जानकारी है, तो अगर पानी या दूध ऐसा लगा रहेगा तो करंट हमारा सीधा इस पिन से इस पिन पर ऐसे ऐसे क्रॉस होगा, तो ये सही काम नहीं कर पाएगा। और सबसे ज़्यादा इसका प्रॉब्लम मुझको ये लग रहा है, जहाँ जहाँ ऐसे प्रिंट आपको दिखे, ये इसका कनेक्शन छूट गया है लोड होने की वजह से। इसको आपको रीसोल्डरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस पर लोड देंगे जब बर्तन गर्म करेंगे तो करंट सही से पास नहीं होगा, बर्तन हीट नहीं कर पाता है। यहाँ पर भी ऐसी दिक्कत है, और यहाँ पर भी देखिए, ये एक जम्पर वायर लगा हुआ होता है बहुत हैवी, ये भी आपको सोल्डरिंग करना है। और मुझे कन्फर्म है, देखिए यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी। उसके बाद से आप इस कंडेंसर के पॉइंट को भी देख लीजिए, इसको भी आपको रीसोल्डरिंग करना होगा। जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखे कि प्रिंट लूज़ है, उसको पहले सोल्डरिंग करके उसको टाइट कर लीजिए। अधिकतर प्रॉब्लम इसी के वजह से आता है, बहुत इसमें प्रिंट लूज़ है। ये वाला तो 100% ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से, जो मोटा जम्पर वायर लगा हुआ होता है रेक्टिफायर से क्रॉस किया हुआ था, ये वाला लूज़ हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आता है, जो इस इंडक्शन में प्रॉब्लम दिखा रहा है। जो हमारे कीबोर्ड पैनल में स्विचेस लगे होते हैं ऑन ऑफ़ करने के लिए या टेम्परेचर को सेट करने के लिए, उसमें अगर आपको स्विच की कोई दिक्कत दिखे, क्योंकि जब पानी या दूध इसमें लग जाता है तो स्विच ख़राब हो जाता है, उसको देख कर आप चेंज कर लीजिए। स्विच चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, सोल्डरिंग करने के बाद पूरा प्लेट को ब्रश से साफ़ कर लीजिए, वरना जो हम फ्लक्स लगाते हैं, जिसको लोग पेस्ट भी बोलते हैं, वो आपस में शॉर्ट होगा तो कोई दिक्कत आ सकती है। तो जहाँ जहाँ आपने सोल्डरिंग किया हुआ है वहाँ वहाँ पे आप इसको ब्रश लगा के मार दीजिए, ताकि ये साफ़ हो जाए। अब इसको हम टाइट करके चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं सॉल्व हुआ होगा तो इसमें जो अगला प्रॉब्लम हुआ उसे हम देखेंगे। मैंने सप्लाई दे दिया है, इसको ऑन कर लिया है। अब इस पर हम बर्तन रख के टेस्ट करेंगे। तो ये लगभग अभी सही नहीं हुआ है, इसमें एक और प्रॉब्लम हो सकता है, उसे हम ठीक करेंगे, उसके बाद से चेक करेंगे। देखिए कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। दोस्तों, आपको ये वाले प्रीसेट के जगह पे आपको ये 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा के देख लेना है। वो कैसे लगाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका 3 लेग है, लेकिन ये जो दोनों अभी मैं सोल्डरिंग छुड़ा रहा हूँ, ये दोनों एक ही प्रिंट है,
और ये जो तीसरा है ये अलग है। इस रेजिस्टेंस के दोनों लेग्स को आप यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं, ये दोनों पे काम करेगा। लेकिन ध्यान रहे आपको इसमें से इसमें नहीं लगाना है, ये पिन दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लगा के आप इसको सोल्डरिंग कर दीजिए। अभी हम अपने इंडक्शन को टेस्ट करेंगे। हम इसको रिपेयर करने के लिए घर लेकर गए थे लेकिन घर पे इन्वर्टर डाउन हो गया, इसलिए हम इसको टेस्ट नहीं कर पाए। अभी हम इसमें सप्लाई देंगे, देखिए इसमें सप्लाई आ गया है। अब इसको आप ऑन कर दीजिए, ये हीट होना शुरू हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना डेंजर गर्म हो रहा है। तो दोस्तों हमारा यही प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने आपको बता ही दिया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।